दर्शकों नमस्कार। कोरोना वायरस ये वो लफ्ज़ है जो गली कूची से लेके बड़े बड़े शहरों में और पूरे विश्व में इसका पुरजोर नाम लिया जा रहा है। कोरोना वायरस की दहशत इतने बड़े पैमाने पे है, क्या छोटे क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर किसी जुबान पे एक ही नाम, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस और बस सिर्फ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आखिरकार आया कहाँ से? कोरोना वायरस ये आया है चीन से, और चीन का ये जो आया हुआ कोरोना वायरस है पूरे विश्व में अपना पांव पसार रहा है। इतना ही नहीं तो शहर में हो या फिर देश में, हर किसी नागरिक को अपने आगोश में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वायरस के नागपुर में भी 4 से 5 ऐसे पॉजिटिव लोग यानी पेशेंट मिले हैं, मरीज मिले हैं जिनका इलाज जारी है। राज्य सरकार को भनक लगते ही राज्य सरकार हो या हो फिर अपने देश की केंद्र सरकार, इनके संयुक्त तत्वावधान में हर हर प्रांत में एक एक कामकाज किया जा रहा है। जैसे कि नागपुर की यदि मैं बात करूं तो मध्य रेल नागपुर अस्पताल पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जैसे कि कोई भी यदि संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो उनके लिए फौरन बेड उपलब्ध किए गए हैं। इतना ही नहीं तो नागपुर का मेडिकल अस्पताल जो कि पूरे एशिया में काफ़ी फेमस है, वहाँ भी पुख्ता इंतजाम, ऐसे संदिग्ध हो या हो फिर पॉजिटिव मरीज, इनके लिए भी बखूबी के साथ वार्ड तैयार किए गए हैं। और शहर के जो प्राइवेट जो अस्पताल है उनमें भी इस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से डरने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं, भले राज्य सरकार ये बात कह रहे हो, लेकिन आए दिन इस कोरोना वायरस को लेके लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। ऐसे में हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा सत्राएँ और जन जागृति का कार्यक्रम NGO और जो तमाम जो संस्थाएं हैं उनके ओर से किए जाते हैं। हम लोग भी अपना दायित्व अपना कर्तव्य समझते हुए कोरोना वायरस से दूर रहे, औरों को भी दूर रखे, अपने हाथ पाँव को स्वच्छ रखे। सर्दी जुकाम यदि हमें है तो हमें उसकी प्रिकॉशन लेना जरूरी है, प्रिवेंशन लेना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से अच्छा कामकाज किया है, लोगों में एक अवेयरनेस की भावना जो लाई है और लोग उनके नक्श कदम पे चलते हुए कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है, इस क्रम में कोरोना ने भारत में भी दस्तक दी है। इससे पहले कोरोना का कहर चीन में था और फिर ईरान, दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों में भी फैल गया है। भारत में अब तक कुल 65 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित है, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया और उनका उपचार भी किया जा रहा है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कई एडवाइजरी जारी की, जिनमें लोगों को कोरोना से बचने के तरीके बताए गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को जागरूक रहने की हिदायत दी है, साथ ही कोरोना से मिलकर लड़ने का भी उन्होंने आह्वान किया है। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कोरोना वायरस के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 80% लोगों को कोरोना पीड़ित व्यक्ति से संपर्क में आने से हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट चौंकाने वाला है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ ही परिवार वालों को यह वायरस अपने चपेट में अधिक लिया है। WHO रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों में कोरोना का लक्षण पाया गया है उनमें बुखार 88% को, खांसी और कफ 68% को, और थकान 38% को, और सांस लेने में तकलीफ 18% को, और शरीर और सिर में दर्द 14% को, और ठंड लगना 11% को, और डायरिया 4% है। वहीं भारत में अब तक सर्दी जुकाम को कोरोना से जोड़कर देखने लगे हैं, जिससे लोगों में यह भय का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही संगठन ने यह भी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के ठीक होने की संख्या अन्य वायरस रोगों से अधिक रही है, जहां कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर केवल 2% रही है, जो कि इबोला, स्वाइन फ्लू और SARS ने बहुत कम है। कोरोना जितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे ज़्यादा लोगों में उसका डर बैठा है। इस घातक वायरस से निपटने के लिए अलग अलग देश तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं।
तो विशेषज्ञ सावधानी को ही सबसे बड़ा उपाय मान रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता के तरीकों और उसके कारणों को लेकर एडवाइजरी जारी की है, साथ ही कोरोना के दहशत से उबरने की राह भी बताई है। अगर स्वस्थ है तो घर पर ही रहे, बुखार खांसी या सांस लेने में समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा करके आप खुद को व बाकी लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खांसी या जुकाम है तो उससे बातचीत के समय कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, क्योंकि छींकने या खांसने के साथ सूक्ष्म चीजें भी बाहर आती है। अगर इसे वायरस है तो आप सांस लेने के दौरान इन्हें भी ग्रहित कर लेंगे। ध्यान रखें कि आप और आसपास के लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक रहे। खांसी या जुकाम की स्थिति में सभी कोहनी या टिश्यू का इस्तेमाल करें। इससे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित भी है तो आसपास नहीं फैलेगा। राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर लागू किए जा रहे चिकित्सीय नियमों का पालन करें, डॉक्टर से संपर्क में रहे और सलाह का पालन करते रहे। हाथ धोते समय साबुन का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आप हाथ में वायरस है तो नष्ट हो जाएगा। तनाव को भगाए दूर, किसी भी बीमारी का तनाव जायज है, लेकिन उससे निपटना भी उतना ही जरूरी है। अगर डर या तनाव की स्थिति में है तो विश्वसनीय लोगों से बात करें, परिवार और दोस्तों से संपर्क में रहे और सही सलाह का पालन करें। अगर घर पर है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करें, पर्याप्त नींद, खानपान और व्यायाम भी करें, फोन और ईमेल के जरिए लोगों के संपर्क में रहे। तनाव से निपटने के लिए दवाओं, धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन कतई न करें। ज़्यादा तनाव की स्थिति में काउंसलर की मदद ले सकते हैं। कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी या सलाह के लिए सही स्रोतों का प्रयोग करें, इससे उचित व सटीक सलाह मिल सकेंगी। दिसंबर माह में चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का आतंक अब एक एक कर दुनिया के 70 से भी अधिक देशों में पैर पसार चुका है। दर्जन भर देशों ने इसके चलते मौतों का सिलसिला जारी है। चीन में कोरोना संक्रमण के 80,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और चीन और 3,000 के लगभग मौतें हो चुकी है। संक्रमण के मामले में चीन के बाद ईरान, इटली, कोरिया तथा सिंगापुर की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। दूसरी ओर कुछ दिनों पहले भारत में मिले 3 कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद अब 2 दिनों के भीतर 11 राज्यों में कोरोना के कई संदिग्ध मरीजों के मिलने से हड़कंप सा मच गया है। इससे लगभग सभी दूसरे देशों की यात्रा करके भारत लौटे थे। यही कारण है कि सरकार द्वारा आनन फानन में सक्रियता दिखाते हुए इटली, ईरान, कोरिया और जापान के वीजा को निलंबित कर 12 से भी अधिक देशों से आने वाले यात्रियों की जांच का निर्णय लिया गया है। चीन के बाहर भी करीब 9 गुना तेजी से फैल रहे कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों की चिंता बढ़ाना तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे घबराने के बजाय इससे बचने के लिए विशेष सतर्कता और सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। भारत में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद भारत सरकार और उसका स्वास्थ्य विभाग तुरंत सतर्क हो गए हैं और इस वायरस का प्रसार रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अगर कोरोना का आतंक हमारे यहाँ अब तक इस कदर नहीं गहराया तो इससे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि चीन ने इस संक्रमण के सामने आने के बाद खबर को दबाने में काफी समय गंवा दिया। वहीं भारत ने समय रहते संक्रमण से बचाव के तरीकों का कार्य आरंभ कर दिया है। केरल में कोरोना संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद ही सरकार द्वारा तमाम सावधानी बरती गई और जरूरी कदम उठाए गए थे। भारतीय नागरिकों को चीन न जाने की सलाह देते हुए वहां से आने वाले व्यक्तियों को ई वीजा नहीं देने का निर्णय लिया गया। दरअसल भारत व्यापार, कॉन्फ्रेंस, पर्यटन, स्वास्थ्य और मरीजों के सहयोग के लिए ई वीजा करता है। दुनिया भर में कोरोना के आतंक को देखे तो इसने मौतों के मामले में वर्ष 2003 से कहर बनकर बरपे हैं। सार्स यह गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है, सार्स को भी काफी पीछे छोड़ दिया है इस कोरोना वायरस ने। कुछ वर्ष पहले सार्स नामक खतरनाक बीमारी का संबंध भी चीन से ही था, जिसके चलते करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल व्याप्त है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है और संगठन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को आतंकवाद से भी गंभीर बताया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दिया है। कोरोना वायरस डिजीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक 6 प्रकार के कोरोना वायरस की जानकारी थी, लेकिन वुहान में नए प्रकार के कोरोना वायरस का पता चलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर अब 7 हो चुकी है। कोरोना वायरस में वायरसों का एक बहुत बड़ा समूह है जो कुछ जंगली जानवरों में पाए जाना एक आम बात है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक यह वायरस जानवरों से मनुष्यों तक पहुंच जाता है, लेकिन इसके मनुष्य से मनुष्य में फैलने की नई प्रवृत्ति ने इसे अत्यंत घातक बना दिया है। इस वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह आसानी से फैल सकता है। एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि नया कोरोना वायरस औसतन 1 मरीज से 10 लोगों में फैल रहा। नए कोरोना वायरस के संक्रमण का अभी तक कोई इलाज नहीं, क्योंकि अब तक इसकी कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी है। कोरोना वायरस को लेकर जन जागृति का कार्यक्रम जगह जगहों पर किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर नागपुर के वर्धमान नगर स्थित राधा कृष्ण हॉस्पिटल में कोरोना वायरस इस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस बारे में वहां के तमाम डॉक्टर्स की टीम ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन बीसीएन समक्ष जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या कहना है इन तमाम महानुभावों का कोरोना वायरस इस विषय पर। देखिए, कल ये 2-3 दिनों में जो परिस्थितियाँ चेंज हो रही है भारत में, खास करके कोरोना के मरीजों की लगातार जो संख्या बढ़ रही है, इसके कारण जो पब्लिक में थोड़ा सा पैनिक आया है, वो पैनिक कम होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ऐसे प्रोग्राम बहुत सहयोगी होंगे। इनमें साइंटिफिक जानकारी लोगों तक जाएगी तो उनका डर अपने आप कम होगा, और जो भी प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए उसके लिए सविस्तर मार्गदर्शन किया जाता है, तो उससे उनका बचाव में भी ये सहायक होंगे। अनुभव तो बहुत खुश है। सबसे पहली बात तो कोरोना वायरस क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा। कोरोना वायरस इज़ अ हाईली इन्फेक्टिव वायरस, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने ही बताया। और इसका नाम क्यों पड़ा कोरोना, द मेन थिंग इज वायरस के सरफेस में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसका शेप क्राउन के जैसा होता है, और क्राउन को आप लैटिन में बोलते हैं कोरोना। सो दैट्स वाई द नेम कम कोरोना वायरस। ओके, सो दिस इज़ द मेन ओरिजिन ऑफ द वायरस। और मेन ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये वुहान से ही हुआ है, सी फूड मार्केट। ओके, लेकिन एग्जैक्ट इसका किसी को पता नहीं है कि ये एक्सीडेंटली रिलीज हुआ है कि क्या हुआ है, द फैक्ट इज़ दैट। इसलिए रूमर्स को आप स्प्रेड करने से बचिए, मैं तो इस चीज़ को बोलूँगी। और जो न्यूज़ चैनल में जो भी चीज़ें हाइप करके बताई जा रही है, उस चीज़ के ओर ध्यान न देते हुए अपने दिमाग के ढक्कन खुले रखिए, ठीक है। और कोई भी न्यूज़ को आप फॉरवर्ड करते हो व्हाट्सएप में या किसी और माध्यम से, जैसे वी चैट वगैरह हो गया, तो उस चीज़ को आप पहले खुद वेरीफाई करिए, उसके बाद में ही फॉरवर्ड करिए। क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा अफवाहों का बाज़ार गर्म है, हम बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को आप वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि विदेश से जो आए हैं, स्पेशली अब जैसे भारत सरकार ने 4 देशों के ऊपर में बैन लगा दिया है, जैसे कि जापान, कोरिया और इटली एंड वन मोर कंट्रीज़ देर, हाँ ऐसे टोटल 4 कंट्रीज़ है, तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया है। तो जो भी पर्सन उस व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, उनके संपर्क में तो पहले ही बात आने से बचिए, ठीक है। और आने से बचने के बाद अगर आपका फिर भी कांटेक्ट हो रहा है, तो मेक श्योर दैट आप डायरेक्टली अपने फेस को कवर करिए, ठीक है। डायरेक्टली फेस पर ऐसा हाथ लगने ना दीजिए। अगर आप फेस पर हाथ रख भी रहे हैं, तो आप मेक श्योर कि आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। 70% एल्कोहल, इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। और रिपीटेडली हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन मैन ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। अब हम घर की ही बात अगर कर ले, तो अगर मम्मी पापा को भी अगर बोलेंगे तो वो किस हद तक मानेंगे। इसलिए मुझे खुद होकर ही मास्क वगैरह यूटिलाइज करना पड़ रहा है,
कि अगर तुम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तो हम क्यों इम्प्लीमेंट करें. सो इट्स बेटर. मैं नेहा पसेरकर, आई एम PhD स्टूडेंट फ्रॉम झजियांग यूनिवर्सिटी चाइना. ओके, सो ये वुहान के थोड़ा सा दूरी पर ही आप बोल सकते हो स्थित है. अब कंडीशन आप समझ सकते हैं कि सीवियरिटी कितनी ज़्यादा होगी कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने ना आना न जाना ये दोनों चीज़ों पर बैन लगा दिया था. ठीक है, तो इस चीज़ को आप इफेक्टिवली वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, है ना. जहाँ से ओरिजिन हुआ है ये वायरस उस चीज़ को इन लोगों ने इफेक्टिव वे से टैकल कर लिया. अब दूसरे कंट्रीज़ में फैल रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं. हमारे इंडिया में किया जा रहा है क्या? नहीं. इस चीज़ को जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है. अपने आप में इंसान को मतलब ये सारी चीज़ें हैबिट्स होनी चाहिए ताकि आप अवॉइड कर सकें ये सारी चीज़ें. और आज कोरोना एक ऐसा वायरस जो चाइना में बड़े पैमाने पे पनपा हुआ है जिसके चलते हजारों की मौत हो चुकी है. 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस चाइना को आखिरकार कोरोना ने ऐसा क्या किया कि जिसके चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे. इतना ही नहीं तो कई हमारे ऐसे भारतीय लोग हैं जो चाइना में बसे हुए हैं लेकिन क्या वे न जब अपने भारत देश में आएंगे तो क्या कोरोना वायरस को लेके आएंगे. यदि वे आते हैं या नहीं भी आते तो कोरोना वायरस सात समंदर पार कैसे इस देश में आ सकता है. अगर आ भी जाता है तो देशवासी इसके लिए क्या काम करना चाहते, मेडिकल अस्पताल क्या करना चाहते, प्रबंधन लोग क्या करना चाहते, NGO क्या करना चाहते, मनपा प्रशासन क्या करना चाहते, ऐसे कई सवाल आपके और मेरे जहन में है और ये लाजमी है. मगर एक बात कह दूँ कि कोरोना हो या सुनामी हो, ऐसा कोई भी वायरस कोई भी बात हमारे देश के लोगों के नागरिकों के साथ कुछ उनके स्वास्थ्य के ऊपर में गलत प्रभाव नहीं डाल सकता. इसकी वजह है क्योंकि मेडिकल साइंस ने जो प्रगति की है वो अपने आप में एक है और भारत देश इसीलिए ऐसे कई डिसीज से लड़ने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तैयार है. कोरोना वायरस को लेकर जन जागृति की जा रही है. राधाकृष्ण अस्पताल जो कि वर्धमान नगर नागपुर में, यहाँ पे एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया. ये तमाम लोग आप देख रहे हो ये वही लोग हैं जो चर्चा सत्र में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. आइए हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार कोरोना वायरस है क्या. सर आप बताइए कि यूँ तो गढ़चिरौली के आप हैं डॉक्टर साहब डोंगरवार जिन्होंने अब तक के 2500 ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं कि नामुमकिन को मुमकिन इन्होंने बना दिया है और कई लोगों की जान भी बख्श दिया है, जीवन दान दिया है. डोंगर साहब ये बताइए कोरोना वायरस चाइना से भारत में यदि आता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. कोरोना वायरस के लिए हमने 25 दिसंबर से ही हर जगह लेटर पहुंचा के उसको गांव-गांव में, घर-घर में, तबके-तबके में, खेड़े-पाड़े में भेजे हैं और वो उसके मुताबिक लोगों में अवेयरनेस आ चुका है. अगर यहाँ कोरोना वायरस आता है तो मेडिकल कॉलेज है या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था कर चुके हैं. इससे डरने की कोई बात नहीं. मैं इतना ही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कोरोना वायरस के लिए डरने की नहीं है, प्रिवेंशन की ज़रूरत है. अपने आप को सबको स्वस्थ रहना है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा के रखने का है और गर्दी से अपने आप को बचाना है ताकि गर्दियों से वो वायरस फैले नहीं. सर्दी खांसी कोई आ रही है किसी से उससे दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें. राधा कृष्ण हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर भरत अग्रवाल, राधा कृष्ण हॉस्पिटल ICU इंचार्ज. ये जो बीमारी बताई गई है ये चाइना से हमारे देशवासियों को, सब लोगों को भारत सरकार ने वापस ला लिया है. द मेन प्रिवेंशन इसका करने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है कि हम पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को संजोग करके रखें और अगर हम लोग बीमार होते हैं या आसपास हमारे कम्युनिटी में कोई बीमार होता है तो हम लोग सेल्फ आइसोलेशन में जाएं. आपके अस्पताल में जिस प्रकार से प्रोग्राम लिया गया क्या कहना चाहोगे? राधाकृष्ण हॉस्पिटल में जो लिया गया है इससे जन जागृति के लिए हम लोग कार्यक्रम लिया है और सभी में अवेयरनेस लेकर पूरा करेंगे और सभी का इसमें सहयोग प्राप्त होगा और हम इस प्रकार के कैंप और आगे भी लेते रहेंगे. सर आप बताइए. मैं गोविंद पोदार, प्रेसिडेंट राधा कृष्ण हॉस्पिटल जागरूकता के अनेक कार्यक्रम सालों में लेता है और 25 साल में हजारों कार्यक्रम लिया है. जब भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अनेक प्रकार की होती है और जब भी वायरस अनेक प्रकार के आते हैं जब जागरूकता के कार्यक्रम लेते आए. ये कोरोना वायरस का संदेश यहाँ से जो जाएगा वो TV और अखबार के माध्यम से मैं सोचता हूँ विदर्भ की जनता में 1 करोड़ लोग इसको पढ़ पाएंगे और जानकारी दे पाएंगे और मेट्रो TV के जो लाखों पाठक है, जो बॉक्स है,
उससे भी 10 लाख लोगों को ये मैसेज जाएगा। कार्यक्रम के अंदर आज नागपुर महानगर पालिका की उपमहापौर, उनके डॉक्टरगण और राधा कृष्ण के हमारे परमोला जी जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर चुके हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी है और यह कार्यक्रम आगे जागरूकता का कार्य करेगा। ऐसे कहते हैं कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं का जो काम होता है भीड़ भाड़ में ज़्यादा होता है, ऐसे समय में आप क्या करना चाहोगी? नमस्कार, मैं कारपोरेटर मनीषा धावड़े। आज जो राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट और NMC नागपुर कॉरपोरेशन की तरफ से इन दोनों के संयुक्त तत्वज्ञान से आज यहाँ कोरोना जो सारी दुनिया आज जिससे डर रही है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा सत्र आज यहाँ जो आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। हम समाज नगर सेवक इस नाते हमको ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, भीड़ में तो जाना रहता ही है। मतलब हमारा थोड़ा सा कार्य लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलना इस तरह का रहता है, तो हमें इससे सच में कि हमें अपना प्रिकॉशन कैसे लेना है, हमें आगे कोरोना से कैसे लड़ना है, इसकी सही जानकारी मिली और बहुत अच्छा आयोजन किया, धन्यवाद। इस समय में हमारे साथ में नागपुर महानगर पालिका की डिप्टी मेयर मनीषा कोठी जी है, उनसे जानना चाहेंगे। मनीषा मैडम, ये बताइए कि बड़े बड़े अस्पतालों में तो ये प्रोग्राम लिया जा रहा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, और कुछ ऐसे गलियारे हैं जहाँ तक डॉक्टर की टीम नहीं पहुँच पाती है, ऐसे में नागपुर महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग किस कैसा काम करने वाले कोरोना वायरस को लेकर? नागपुर महानगर पालिका की तरफ से कोरोना वायरस के लिए जो टीम काम कर रही है, तो वो कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके, कॉरपोरेशन के स्कूल में जाके कोरोना वायरस का जनजागृति का कार्यक्रम ले रहे हैं। और भीड़भाड़ में न जाने की, कहीं बाहर जाते हुए बच्चों को मास्क पहनने की, हाथ धो के टिफिन खाने के लिए हर एक कार्यक्रम में हर एक इंटीमेशन देते हैं। उसकी वजह से नागपुर महानगर पालिका अच्छे तरीके से काम कर रही है। बाहर से आए हुए पेशेंट को भी वो चेक करते हैं, वो कार्य शुरू है। आप क्या कहना चाहेंगे? नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से ये सभी जगह पे ये कार्यक्रम सार्वजनिक सभी जगहों पे ये कार्यक्रम अरेंज करना चाहिए, जिससे कि आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति तक ये कार्यक्रम में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अपन बड़े हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में तो कार्यक्रम लेंगे, जिससे उनके पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन झोपड़पट्टी एरिया है या बड़ा मार्केटिंग एरिया है, वहाँ पर भी बाहर से लोग आते हैं, जो आउट ऑफ स्टेशन आते हैं इंटरनेशनल, वहाँ से बहुत से लोग आते हैं व्यापारी वर्ग, तो वहाँ पर भी जाके इस तरह का अगर कार्यक्रम लेते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और जनता को इससे लाभ भी प्राप्त होगा। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह आंदोलन आप अक्सर करती हो, कोरोना वायरस के लिए क्या आंदोलन करना चाहोगी? मैं सभी बेटियों से और महिलाओं पे ये कहना चाहूँगी कि हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, जैसे कि जन जागृति कार्यक्रम हो ही रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले घर से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बाइयाँ आती हैं, वो लोग इतनी अवेयर नहीं होती है कि कोरोना वायरस क्या है, सर्दी खांसी को वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, तो हमको इस अभियान की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। बहू जी क्या कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से कोरोना को लेकर जो दहशत का माहौल गरमाया गया है? डरने की जरूरत नहीं है, साफ सफाई रखनी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता डोंगरे, आयुर्वेदाचार्य हूँ। कोरोना वायरस के लिए जैसे पर्सनल हाइजीन बोला गया है, वो पर्सनल हाइजीन तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन कुछ रसायन औषधि होती है, आयुर्वेदा में रसायन बोला गया है, वो रसायन औषधि से इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो अगर हम उस औषधि का और अपने खान पान का ध्यान रखें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम उससे लड़ पाएंगे। कोरोना इतना संक्रामक है कि खांसी, छींक अथवा हाथ मिलाना भी इसके जोखिम का कारण बन सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने और फिर अपने मुंह, नाक अथवा आंखों को छूने से भी इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। इसके संक्रमण के बाद सामने आने वाले लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश, कभी कभी सिर दर्द इत्यादि प्रमुख है। निमोनिया, फेफड़ों में सूजन, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना भी इसके खास तौर पर लक्षण पाए गए हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हुए हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के बाद भी कोई लक्षण नजर नहीं आए। मैं समझता हूँ अवेयरनेस क्रिएट करना बड़े रूप में
सैनिटेशन के ऊपर फोकस तो हमारा 5 साल से स्वच्छ भारत के तहत रहा है और उसका आज शायद देश की जनता अच्छी तरह समझ पाएगी कि कितनी बड़ी उपलब्धि है इस देश की, कि कहाँ वो पुराने दिन थे जब देश में गंदगी एक नॉर्म था और आज जरा सी हम गंदगी देखते हैं तो एकदम रिएक्ट करते हैं। तो जो ने सेयर्स थे एक ज़माने में प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज करते थे कि लाल किले से वो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक प्रकार से आज उसका अच्छा सही जवाब है कि पूरी स्वच्छता का लाभ देश को मिल रहा है। सरकार ने एकदम प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, अधिकारियों को भी सब स्टेट गवर्नमेंट सेंटर मिलके जिस प्रकार से कोरोना वायरस का सामना कर रही है अपने आप में एक मिसाल है कोलैबोरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर का। और रेलवेज भी उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, सैनिटेशन हाई लेवल पे रखना, अब यात्रियों को बंद तो नहीं कर सकते पर यात्रा सेफ रहे उसके लिए अवेयरनेस के लिए हमने काम किया। हमारे अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह बनाए हैं, कोई अगर व्यक्ति में कोई सिम्टम्स मिले तो उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है, जरूरत पड़े तो क्वारंटाइन किया जा सकता है। ऐसे मामले काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं, बुजुर्ग और बच्चे इसके आसान शिकार है तथा कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए तो यह काफी घातक है। ऐसे में जरूरी है कि किसी बीमार जुकाम या निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचे, मास्क पहने, अपनी आंखों, नाक और मुंह को न छुए तथा हाथों को बार बार अच्छी तरह से साबुन से धोए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने अथवा उसे कम करने के लिए जो सावधानियां बरतने को कहा है और इस वायरस के संक्रमण के खतरे को कम करने के जो उपाय बताए हैं उनके अनुसार अपने हाथ साबुन और पानी का अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें, खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोयनी से ढकें। जिन व्यक्तियों को सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उनके साथ करीबी संपर्क बचाने से बचें। जंगल और खेतों में रहने वाले जानवरों के साथ असुरक्षित संपर्क न बनाएं और मीट तथा अंडों को अच्छे से पकाकर ही खाएं। कोरोना को लेकर भले ही पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोरोना का संक्रमण हो जाने का सीधा अर्थ मौत ही है। अगर कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के मामले देखें तो भारत में केरल में मिले 3 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए, वहीं चीन में अभी तक काफी लोगों को इलाज के बाद ठीक किया जा चुका है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण का अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है क्योंकि अब तक इसकी कोई वैक्सीन या टीका बना ही नहीं। दर्शकों, कोरोना वायरस को लेकर हर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, रेलवे प्रशासन भी अपने कामकाज को लेकर कितना तैयार है ये देखने के लिए आज इनविजन की टीम पहुंची है रेलवे प्रशासन के उन अफसर के पास जिनका नाम है एच जी राव साहब जो कि सहायक वाणिज्य प्रबंधक है। रेल प्रशासन कोरोना इस वायरस को लेकर यात्रियों के लिए और कर्मचारियों के लिए क्या कामकाज कर रही है ये जानना चाहेंगे। एस जी राव साहब इस समय में हमारे साथ में मौजूद है। राव साहब, ये बताएं कि कोरोना वायरस का जो बवंडर है, जो बातचीत है, जो एक डर जो लोगों में बैठा है और प्रतिदिन लाखों यात्री लोग आवागमन करते हैं, सफ़र करते हैं, उन यात्रियों के लिए और आपके कर्मचारियों के लिए क्या कामकाज कर रहे हो रेल प्रशासन? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य रेल नागपुर मंडल ये जो कोरोना वायरस का जो चल रहा है आक्रमण जो भी हम उसे बोलें उसके प्रति काफ़ी जागरूक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे तरफ से काफ़ी कुछ तैयारी हो चुकी है। हमारे जो मध्य रेल का जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे हमने एक मेल वार्ड और एक फीमेल वार्ड ये दोनों आइडेंटिफाई किया है और वो दोनों को आइसोलेट करके रखा है कि कोई भी इमरजेंसी में अगर कोई पैसेंजर या कोई रेलवे एम्प्लॉई को ऐसा डिटेक्ट होता है तो उनको इमिडिएटली वो वार्ड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। और वो जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो मास्क बोलिए या उनके लिए जो पहनावा के लिए जो ड्रेसेस बोलिए जो भी है सैनिटाइज्ड वगैरह, वो सब पूरी तैयारी हमारे तरफ से हो गई है। स्टेशनों पे हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं अभी कि सभी लोग जो सावधानियां हैं बरतना है और भीड़भाड़ इलाके से थोड़ा बचें और हो सके तो यात्रा स्थगित भी कर दें ताकि हम लोग ये जो राष्ट्र का ये है यानी एम है कि कोरोना वायरस को हम रोकें तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा।
और रेल कर्मचारी जो है, हमारे यहाँ काफ़ी रेल कर्मचारी भी हैं, जैसे नागपुर मंडल में लगभग 12 से 13 हज़ार कर्मचारियाँ हैं, उनके भी हेल्थ के प्रति हम काफ़ी जिम्मेदार हैं। और ये जो हॉस्पिटल्स में वार्ड्स हैं हमारे, वो आइसोलेट करके हर किसी भी तरह की जो इमरजेंसी है उसको डील करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किस तरह से रेल प्रशासन तैयार है, इस बारे में इन्होंने जानकारी दी। दर्शकों, अब हम आपको उस अस्पताल में लेके जा रहे हैं जहाँ पे मेल फीमेल कोरोना वायरस को लेके जिनमें सिम्टम्स ऐसे अगर दिखाई देते हैं तो रेल प्रशासन पूरा कामकाज करना चाहती है। उनके लिए जो कुछ जगह है, वो अस्पताल है, जो बेड पूरी तरह से उपलब्ध किए गए, अब हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अब हम आ चुके हैं मध्य रेल अस्पताल में, जहाँ पे मेल फीमेल के दो वार्ड कोरोना वायरस की यदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर में किस तरह से इलाज होगा, उनके बेड कैसे होंगे, आइए हम आपको बताते हैं। आइए हमारे साथ में, आप देख सकते हैं कि इस जैसे हम भीतर आते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये वही पूरे अभी खाली बेड दिखाई भले देते हो, लेकिन यही बेड पर उनका इलाज होने वाला है, जो कोरोना वायरस के जिनमें सिम्टम्स यदि दिखाई देते हैं तो मध्य रेल अस्पताल पूरी तरह से तैयार है उस ऐसी स्थिति को निपटने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे बेड सजे हुए हैं, और जैसा भी कोई पेशेंट यदि इस प्रकार का आता है तो पूरी तरह से यहाँ कामकाज होने वाला है, और यही खास विशेषता है मध्य रेल अस्पताल की ओर से की गई है। दर्शकों, कोरोना वायरस को लेकर मध्य रेल अस्पताल में इस समय में इनविजन की टीम आई हुई है, और आज हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे कर्मचारियों को, डॉक्टर स्टाफ को कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, और कोरोना वायरस अपने आप में कितना खतरनाक है, इस बात के लिए पूरी तरह से यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर निर्भया है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि आज जिस प्रकार से आपने इन लोगों को कार्यशाला जो ली है कोरोना वायरस को लेके, ये कितना महत्वपूर्ण है? थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि ये जागरूकता सबसे अधिक ज़रूरत है समाज में, सबसे पहले ज़रूरत है कि पैनिक ना फैले, उसकी रियलिटी मालूम होनी चाहिए हमारे स्टाफ को। और चूंकि जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो फ्रंट लाइन होता है किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए, तो उनको अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले करना होता है ताकि अपना भी प्रोटेक्शन कर सकें, मरीजों से, एक मरीज से दूसरे मरीज को ये बीमारी ना फैले और समाज में भी ये ना फैले, उसके लिए हमारे सिस्टर, हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी हमसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप बताएं कि जिस तरह से आज ये कोरोना वायरस को लेकर जो जन जागृति की जा रही है, कितने अस्पताल में मेल फीमेल के लिए बेड लगे हुए हैं, अगर कोई ऐसा सिम्टम्स कोई दिखता है किसी में तो क्या मध्य रेल अस्पताल करना चाहेंगे उनके लिए? हमारे अस्पताल में अभी एक फीमेल और एक मेल के लिए दो वार्ड खाली किए गए हैं, जिसमें सस्पेक्टेड पेशेंट जो है कोरोना वायरस के, जिसमें हमको सस्पिशन लगता है कि इनको हो सकता है, उसको हम रखेंगे और उसका फिर आगे का इलाज होगा, ताकि बाकी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम उन्होंने सेपरेट वार्ड्स अरेंज करके रखे। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी पहले के मध्य रेल के अस्पताल की तरफ से जिस प्रकार से ये जो कामकाज किए जा रहे हैं अपने आप में, एक है कोरोना वायरस, ये बहुत बड़ा वायरस तो है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से चाइना में लोगों को एक प्रभावित कर चुका है, हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी कर दे, भारत में भी कुछ ऐसे पेशेंट दिखे गए हैं, ऐसे में जो नागपुर शहर की जितनी यंत्रणाएं, जो कार्यालय है, खासतौर पर रेलवे प्रशासन, जहां पे लाखों लोग रोज़ाना अपने गंतव्य स्थान के तरफ ट्रेन से सफ़र करते रहते हैं, चाहे कर्मचारी हो यात्री हो, इन्हें भी कोरोना वायरस से वे प्रभावित न हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिए गए हैं। और जिस प्रकार से हेडो मैडम ने कहा है कि मेल और फीमेल के लिए यहाँ स्पेशल वार्ड्स, जो ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया जाएगा उनके लिए, तो ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर किसी ने डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कहा गया है वो सही कहा गया है। कोरोना वायरस कितना भी डेंजर हो, लेकिन यदि हम अपने आप में हमारी स्वच्छता और मजबूती से अगर हम काम करें तो कोरोना का कोई भी ऐसा बड़ा वायरस है जो हमें छू नहीं सकता और हमारे ज़िंदगी को ले नहीं सकता। नागपुर के मध्य रेल से रोज़ाना लगभग 1 लाख यात्री आना जाना करते रहते हैं। रोज़ाना 80 से 100 ट्रेनों का आवागमन भी रहता है, मुख्यतः मुंबई, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद आदि शहरों की तरफ ट्रेनें आती जाती रहती हैं। सेंट्रल रेलवे विभागीय अस्पताल में यात्री एवं कर्मचारियों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्य रेल अस्पताल में एक जेंट्स और एक फीमेल वार्ड आइसोलेट कर दिया है कोरोना वायरस को लेकर स्टाफ को
ब्रीफ कर दिया है, यदि कोई कोरोना से पीड़ित पेशेंट आता है तो उनके लिए पोशाक, मास्क आदि तैयार कर दिया गया है। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को भी पोशाक दिए गए हैं ताकि वो भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही मध्य रेल नागपुर ने भी अपनी तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरी कमर कस ली है। त्योहार पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल खूब करते हैं। हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। संक्रमण से बचने के और बचाने के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से सतर्कता रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दुनिया के बहुत से देशों में कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे बेवजह परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से बचने के लिए सतर्कता बरतें और इन बातों का ध्यान रखें। ये अवश्य करें। खांसी और छींकने के दौरान अपने नाक व मुंह को साफ कपड़े अथवा रुमाल से अवश्य ढकें। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित धोएं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से एक हाथ तक की दूरी बनाए रखें। फ्लू से संक्रमण का संदेह हो तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। ये कभी न करें। गंदे हाथों से आंख, नाक अथवा मुंह को न छुएं। किसी को मिलने के दौरान हाथ न मिलाएं, न ही गले लगे या छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। इस्तेमाल किए हुए नैपकिन, टिश्यू पेपर इत्यादि खुले में न फेंकें। फ्लू वायरस से दूषित सतहों जैसे रेलिंग, दरवाजे आदि न छुएं। ये बातें खुद ध्यान रखें व औरों को बताएं। सबको कोरोना वायरस से सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। रेलवे बोर्ड ने रेलवे के सभी डिविजनल और सब डिविजनल अस्पतालों के लिए सर्कुलर जारी किया है। विभाग ने अस्पतालों से भी ये कहा है कि वो संदिग्ध कोरोना वायरस से मरीजों को संभालने के लिए अपने आइसोलेशन वार्ड को तैयार रखे। दिस इज द प्रोटेक्शन किट व्हिच विल बी वेयर्ड बाय द स्टाफ हु विल बी हैंडलिंग द पेशेंट्स एंड दिस इज द N95 मास्क व्हिच विल बी गिवन टू द पेशेंट एंड इट विल बी वोर बाय द हेल्थ पर्सनल हु विल बी अटेंडिंग द पेशेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक 6 प्रकार के कोरोना वायरस की जानकारी दी गई है। चीन के साथ साथ अन्य 30 देशों में भी कोरोना वायरस की चर्चाएं हैं। कोरोना के लक्षण कैसे पहचाना जाए इसके लिए मनपा ने इसकी सूची जारी की थी, जिसमें सर्दी, खांसी, गला बैठने, सांस लेने में तकलीफ, अचानक तीव्र बुखार आने, निमोनिया के संकेत, मूत्रपिंड निकामी होना तथा पाचन संस्था खराब होना आदि बताए गए। कोरोना वायरस यदि हमें नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो हमें हाथों की सफाई से लेकर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। सबने प्रिवेंशन लेना चाहिए, ऐसी जानकारी रिचा जैन इन्होंने दी। बाइट रिचा जैन। एक ओर शहर में कोरोना वायरस को लेकर जहां दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर शहर के कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जो कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए दवाइयां भी देते हैं। इस समय मैम डॉक्टर रिचा जैन मैम की तरफ आइए, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और उसके लिए क्या प्रिवेंशन उन्होंने किया है। मैम ये बताइए कि जो जिस प्रकार से आज जो बवंडर जो मचा है, कोरोना वायरस लोगों की जानें जा रही है ऐसा कहा जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और लोगों ने किस प्रकार का प्रिवेंशन लेना चाहिए? कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि चाइना से सभी कंट्रियों में वायरस फैला हुआ है। लगभग आज देख रहे हैं कि पूरे लगभग इंटरनेशनल लेवल पे 30 से 35 कंट्री में ये वायरस जा चुका है। ये वायरस एक्चुअली जो इन्फेक्टेड होता है कि जो जिसको ये वायरस लगता है उनका लगभग रेस्पिरेटिंग सिस्टम मतलब लंग्स जो होता है वो 50% डैमेज हो जाता है और उस कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इल हो जाता है और वो जो पेशेंट जिस भी चीज़ को टच करता है वो टच में वो वायरस लगभग 8 to 12 आवर्स तक रहता है और यदि वो कपड़े में लगभग 9 आवर्स तक ये वायरस रहता है। और इसमें प्रिवेंशन ये है कि यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि यदि वह लंबी सांस भरता है और सांस को रोकता है और सांस को रोक के वो यदि 10 सेकंड तक सांस को रोकने की कोशिश करता है और उस रोकने के टाइम में यदि उनको बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो उनको तुरंत अपनी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए और उनको तुरंत कोई भी डॉक्टर से जाके पहले नॉर्मल आप ENT डॉक्टर से मिल सकते हैं। यदि उनको ऐसा कुछ लगता है कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस के सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ जाके आप अपने आप को ज़रूर दिखा लें। और कभी भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी लग रही है, गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग रहा है
तो भी आप इसमें अपने आप को लेजीनेस नहीं दिखाएं, क्योंकि एक छोटी सी आपकी मिस्टेक कल आप कोरोना वायरस से हो सकते हैं, पर ये इतना डेंजरस जितना माना जा रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अब ऐसी इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप इनिशियल स्टेज पे इसको कैच कर लेते हैं तो बहुत सारे पेशेंट चाइना में भी ठीक हो चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट नागपुर में भी अपना इंडिया में भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो पर हमको प्रिवेंशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमारी तरफ से जैन समाज को और बाकी सब समाज को होम्योपैथिक की एक रिसर्च है, जैसे कि गाइडलाइन आई है होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से, तो एक छोटा सा प्रिवेंशन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा उसको प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथिक की एक डोज है, जिसको 3-4 दिन आपको मॉर्निंग में 3 डेज बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक लेना है। यदि वो डोज आप ले लेते हैं और बच्चों को 2-2 टैबलेट दे दीजिए, बड़ों को 4-5 टैबलेट देना है, तो हम काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। हमारे इन्फेक्शन को मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की उसको बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिक आपको वायरस कम लगेगा। पब्लिक प्लेस में ज़्यादा मत जाइए, बाहर का ट्रेवल मत कीजिए। आउट ऑफ इंडिया यदि आप जा रहे हो और यदि आपका इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है तो थोड़े से दिन के लिए वो अपना बाहर का प्लान ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि हम सबको हमारे भारत देश पे आया हुआ ये वायरस से लड़ना है और हम सबको मिलकर साथ रह के पूरी दुनिया को पूरे विश्व को इस वायरस से बाहर करना है। इटली, दुबई, सऊदी अरब, जर्मनी की यात्रा करने वाले 4 कोरोना संदिग्ध लोगों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में भर्ती किया गया। इनमें से एक जर्मन नागरिक का भी समावेश है। मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से मेडिकल के एक वार्ड बढ़ाने के साथ ही बिस्तरों की संख्या 7 से 40 की जा रही है। इस बीच एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना का गढ़ माने जाने वाले चीन से 59 लोग नागपुर आए हैं। अन्य 44 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने 14 दिनों तक निगरानी में रखा। जर्मनी का नागरिक नागपुर होते हुए ताड़ोबा की सफारी करने आया है, लेकिन इस बीच सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत के बाद उसे मेडिकल में भर्ती किया गया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम जर्मन नागरिक के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। उक्त मरीज की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। मेडिकल में अधिष्ठाता डॉक्टर सजल मित्रा और वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने कोरोना के संबंध में बैठक ली। इससे वार्ड में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी दर्शाई गई है, साथ ही 32 बिस्तरों का नया वार्ड में तैयार किया जाएगा। फिलहाल वार्ड में 4 वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल खूप झालेले आहे आणि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जास्त झाल्यामुळे बरेचसे केसेस येत आलेले आहेत आणि जर त्यांना जरी आणि तुम्ही बघाल तर बरेचसे कंट्री पण अफेक्टेड आहे, त्याच्यामुळे त्या कंट्रीमधून आलेला कुठलाही व्यक्ती असेल तर आम्ही त्याला जर कंप्लेंट काही नसेल, सर्दी खोकला काही नसेल तर त्या व्यक्तीला आम्ही होम क्वारंटाईन म्हणजे त्याला ॲडमिट करायची गरज नसते। पण कुठल्या व्यक्तीला जर सर्दी खोकला किंवा मग ताप अशापैकी जर सिम्टम्स असतील तर त्यांना आम्ही सस्पेक्ट म्हणून ॲडमिट करतो आणि लगेच आमची टीम आहे, आम्ही इथे कोरोना रिलेटेड एक व्यवस्थापन समिती बनवलेली आहे, त्याच्यात डीन सर आमचे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टर सजल मित्रा, मी सुप्रेण आणि डॉक्टर राजेश गोसावी मेडिसिन डिपार्टमेंट, डॉक्टर नीत नवरे ENT डिपार्टमेंट, डॉक्टर दीप्ती जैन पेडॅटिक डिपार्टमेंट, हे सगळी समिती आम्ही डे टू डे नाही तर आम्ही प्रत्येक मिनिटाला याचं मॅनेजमेंटकडे लक्ष असतं या समितीचं, त्याच्यामुळे हा पेशंट ॲडमिट झाला की त्याचं सॅम्पल जाऊन सॅम्पल निगेटिव्ह येईपर्यंत आमचं लक्ष त्या पेशंटकडे असते आणि यासाठी आम्ही सगळी व्यवस्था केलेली आहे। आधी आम्ही 6 बेडच तयार ठेवले होते पण आता जसे पेशंट वाढायला लागले, सस्पेक्ट केसेस वाढायला लागले आहे तर आम्ही हे वार्ड पूर्ण 40 बेडचा वार्ड तयार केलेला आहे आणि तिथे 5 वेंटिलेटर आहे, पेडॅटिक वेंटिलेटर पण आहे आणि जे PPE किट आहे म्हणजे डॉक्टर किंवा नर्सेस यांना ट्रीटमेंट करण्यासाठी जे किट लागते ती किट पण आमच्याकडे अवेलेबल आहे आणि त्या मास्क पेशंटसाठी आणि त्या स्टाफसाठी पण मास्क आहे आणि आमचं जे तिथं काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस आणि अटेंडंट आहे यांना आमचं ट्रेनिंग पण झालेलं आहे की मास्क कसा वापरायचा, त्याचं निर्जंतुक कसं करायचं, त्याचं डिस्कार्ड कसं करायचं आणि आता हे जर असेच रुग्ण वाढत राहिले तर आम्ही आमच्या पूर्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये क्लास 3 क्लास 4 आणि नर्सेसना यांचं ट्रेनिंग देणार आहे मास्क वापरण्याबद्दल आणि आधी आणखी PPE किट्स आणि मास्क पुढे लागण्याची शक्यता असल्यामुळे आम्ही त्याची पण आणखी डिमांड केलेली आहे आणि ती आम्हाला मिळेल। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की टीम एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच में जुटी हुई है। अगले कुछ दिनों तक नियमित रूप से स्क्रीनिंग की जाती रहेगी। इस बारे में नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे इन्होंने जानकारी दी। अभी यहाँ पे जो है एक नागपुर के अंदर में लगभग 176 या 179 के करीब टेस्ट हुए हैं
और उसमें सिर्फ 7 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 3 यवतमाल के थे और 4 नागपुर शहर के थे। बाकी के सारे लोग निगेटिव पाए गए हैं और बाकी लोगों को हम लोग जो है यहाँ से होम क्वारंटाइन में भी हम लोग बहुत से लोगों को उनका जांच कर रहे हैं कि भाई उनको कोई दिक्कत निर्माण हो रही है या नहीं हो रही है। 14 दिन के बाद में हम लोग उनको भी वैसे भी छोड़ने वाले हैं, उनका जो फॉलोअप है। इसके अलावा जो नागपुर एयरपोर्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, तो वहाँ के पैसेंजर्स को भी हमने पब्लिक क्वारंटाइन किया है और उनकी भी उनके भी सेहत के ऊपर में ख्याल रखा जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं जो है वो भी दिलवाई जा रही है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस भीषण तांडव कर रहा है। इटली, दुबई, सऊदी अरब, जर्मनी, गोवा की यात्रा करने वाले 4 कोरोना संदिग्ध लोगों को नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में भर्ती किया गया है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम है नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डे पे, जहां पे अभी दोहा गोहा से कुछ प्लेन जो है जो नागपुर के इसी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और यहां पे पैसेंजर लोगों की जांच अंदर में चल रही है। पैसेंजर की जांच होने के बाद धीरे धीरे पैसेंजर बाहर आ रहे हैं। इस समय में 2:25 हुए हैं, मध्यरात्रि के 2:25 पर इनविजन की टीम यहां पे मौजूद है। आप देख सकते कि लोग और भी कुछ हवाई जहाज आने के इंतज़ार में है। जैसे हवाई जहाज यहाँ पे आता है, नागपुर महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे कुछ कोरोना वायरस की जो जांच है वो जांच एजेंसियाँ, समितियाँ, कमिटियाँ यहाँ पे बड़ी संख्या में अंदर पे मौजूद है। हर किसी का यहाँ पे जांच हो रही है कि कहीं उन्हें कोरोना वायरस तो नहीं, अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उनकी फौरन उनकी जाँच करके लिए जाँच करके उनको मेयो अस्पताल हो या मेडिकल अस्पताल हो या हो फिर मध्य रेल का अस्पताल, वहाँ पे उन्हें एडमिट किया जाएगा और पूरे प्रिकॉशन के साथ ये कामकाज हो रहा है। कुछ बाहर देश विदेश से भी कुछ ऐसे यात्री हैं जो यहाँ पे आए हुए आई है, हम उनसे भी अभी बात करते हैं। अभी भी गोवा से एक फ्लाइट आई हुई है जहाँ पे कुछ यात्री थे, उनमें से एक आप भी है जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। 2:35 हो चुके हैं, हम इन यात्रियों से पूछते हैं, सर व्हाट्स योर नेम एंड यू आर कमिंग फ्रॉम? My name is Paul and I come from the state of Ohio in the United States. What do you think about coronavirus? I think that it's a concern and how rapidly it's impacting so many, but it's not as dangerous as maybe people fear it to be. It's like the common flu in terms of 3% or so have a big problem with it. What do you get any prevention of it? Any what? You are getting any prevention? No prevention. No prevention. Just trying to be wise. Mr. Paul, where's your mask? All right. In the United States, we don't normally wear a mask for things like this. So the only people that I really saw with masks as I traveled here were Indians working and that. But people in the United States did not have masks on. You know coronavirus? Yes. Yes. What are the symptoms of it? Well, from what I've been told, you have a runny nose and you have a dry cough and a fever. बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि सर्दी जुकाम और ड्राई कफ को लेके जो एक जो अपने लंग्स जो होते हैं उनमें वो ज़्यादा पनपते रहते हैं, ऐसे कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए कुछ यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका की ओर से जांच एजेंसियाँ स्वास्थ्य यहाँ शिविर भी लगाए गए हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। पॉल, जब आप अंदर में गए क्या आपको लगा कुछ वहाँ पे डॉक्टर्स लोग चेकअप कर रहे थे? I don't understand. What did you say? Okay, भाषा का कुछ भी परिणाम होता होगा, लेकिन ये समझ गए कि हमें क्या कहना है। हमने इनसे हिंदी में कहा कि वहाँ पे जो जांच एजेंसियाँ चल रही है डॉक्टर चेकअप। I didn't have to have any sort of doctor checkup. In the United States at this point, if you're having a problem, then you let them know and you self-quarantine. But I don't have any symptoms. I've not been around anyone who's had the virus, so there's no concern for me. But when I entered into India, there was a health desk set up just for the virus, and they certified that I was healthy coming in. नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डे पर प्रतिदिन हजारों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना करते रहते हैं। हवाई जहाज से सफर करना यात्रियों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हवाई जहाज से सफर के लिए कम समय लगता है। नागपुर एयरपोर्ट पर कुछ विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विमान से नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नागपुर मनपा का स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की टीम
तथा बड़ा चार पहिया वाहन पूरी तरह से उनकी जांच के लिए तैयार दिखा। नागपुर का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो हवाई अड्डा है यहाँ पे हम लोग मौजूद है, जबकि हमने अब तक के कई लोगों से बातचीत की है, अब हम आपको मिला रहे हैं ऐसे लोगों से जो यात्रा के जो यात्री है जो यहाँ से आ रहे हैं। आज उनका जो परीक्षण हुआ है स्वास्थ्य संबंधी, उनकी जो जाँच की जा रही है, नागपुर महानगर पालिका की ओर से काफ़ी अच्छा कामकाज किया जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। इस समय में डॉक्टर हिना हमारे साथ में। मैम ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी 2 से 2:15 का समय हो रहा है और जो जांच जो प्रक्रिया चल रही है, आप नागपुर महानगर पालिका की ओर से जो हो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए अभी लोगों के दिलों में इतनी दहशत है कोरोना वायरस को लेकर कि लोगों को ये नहीं पता है कि क्या प्रिवेंशन और क्या चीज़ें लेनी चाहिए। ये सारी जागरूकता और सारी चीज़ों को हमारे नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमको स्क्रीनिंग के लिए रखा गया है यहाँ पे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं फॉरेनर्स आ रहे हैं वो स्प्रेड हमको अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन उनका होना चाहिए उसके लिए रखा गया है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज आप ये जो कामकाज कर रहे हो, अब तक के कुछ ऐसा आपको संदिग्ध मिला है क्या, अंदर में क्या परिस्थितियाँ हैं? नहीं इसके बारे में अभी तक तो भी मिला नहीं है। अभी आपके कामकाज क्या चल रहा है? ना भाई स्क्रीनिंग। तो कितनी टीम है डॉक्टर्स की कुल मिला के वो डॉक्टर मानेकर सर आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका का ये वही एक एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस में यदि कोई ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसकी जांच पड़ताल करके उन्हें फिर अगर एडमिट करने की जहाँ बात हो तो नागपुर के मेडिकल अस्पताल में एडमिट कर सकते हैं, मेयो में अस्पताल में उन्हें एडमिट कर सकते हैं, या फिर जो जैसे बड़े बड़े कुछ डॉक्टर हो जैसे ट्रेन से कोई अगर मरीज मिलता है तो उन्हें मध्य रेल नागपुर के अस्पताल में भी भर्ती किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागपुर महानगर पालिका और तमाम जो NGO और बाकी जो संस्था इन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम किए कि ऐसा कोई भी अगर संदिग्ध यदि एयरपोर्ट हो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या कहीं गली कुची में भी कोई मिलता है तो उन लोगों के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उनकी जो एक उनका पूरा इन्वेस्टिगेट यहाँ पे किया जाएगा, उनको पूरा चेकअप किया जाएगा ताकि ये बीमारी के जो सिम्टम्स है वो और अन्य किसी को ना लगे और वो वहीं के वहीं उसको अच्छा क्योर हो, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अपने दूसरों के लिए अपने खुद अपने लिए जीने के लिए तो बहुत लोग होते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना भी कुछ एक जीना होता है। और ये जो डॉक्टर लोग हैं इनका मैं तारीफ इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर हर किसी में दहशत है, कोई किसी के कामकाज आ नहीं रहा, ऐसे में ये हमारे नागपुर के आन बान शान जानदार शानदार डॉक्टर की टीम है जो पूरे शिद्दत से काम कर रही है और ऐसे अगर कोई पेशेंट मिलता है तो उनसे बातचीत कर रही है, उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरा चेकअप कर रही है, इन्हें भी अपनी जान पर खतरा बना हुआ है, ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के एक अपना कर्तव्य अपना भारत देश के लिए अपने को कुछ देना है, एक समाज भावना इनके मन में अच्छी है, यही एक बात आज के इस कार्यक्रम में अच्छी दिखाई दी है। यात्री आ रहे हैं यात्री जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण भी हो रहे हैं और इसके लिए नागपुर के डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वायरस से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं, कोरोना कितना भी हो लेकिन इस एम्बुलेंस में ऐसे कोरोना को लेकर उसका डिलीटेशन कैसा किया जाएगा ये भी बखूबी के साथ किया जा रहा है। जैसे कोई भी देश से हवाई जहाज विमानतल पर आता है वैसे ही मनपा की स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप उनका स्क्रीनिंग कर रही है। हम लोग पुणे से आए हैं, इंडिगो एयरलाइंस थे और अभी हम यहाँ से गोंदिया जा रहे हैं। अंदर में जिस प्रकार से जांच पड़ताल चल रही है क्या कहना चाहोगे, क्या आपने अनुभव किया? अच्छी की जांच पड़ताल है। विमानतल पर चेकअप में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिलने से प्रशासन ने उन्हें सामान्य अवस्था में घोषित कर दिया है। to see the national parks. National parks. So you're here for tourism, for yeah. wildlife, right? Absolutely. So you're going to have at Peach Resort or something nearby? Any Tadoba. Resort? Tadoba. Tadoba. Mm. Okay, yeah. okay. That's a nice place you should visit, sir. Thank you, yeah. Thank you so much that you're here. We're Welcome very to India. For the opportunity. okay. So, sir, you must be knowing that India is also having a cases, 65 cases reported recently yeah. for the coronavirus. 65, and all yeah. over the globe is suffering with that, yeah, right? We so know. After, before coming to India, what thought had come in your mind that is it safe place for you to come and visit for a wildlife or is it a place not to come and visit right now? What the first thing which had come in your mind? We
took advice from the government, and it said it was still safe to travel, so we decided to come. Yeah. Okay. So, yeah, there was no... And there's not so many cases here. I mean, there's obviously some countries that are real hotspots at the moment, but so it seemed better in India than elsewhere at the moment. तो दर्शकों देखा आपने किस प्रकार से यह स्पेशल रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो जन जागृति के लिए बनाई गई थी, खास तौर पर हमारे इन बीसन के तमाम दर्शकों के लिए भी ये स्पेशल रिपोर्ट की गई थी। आप और हम सुजलाम सुपलाम रहे, मजबूत रहे, स्वच्छता के और स्वच्छता को लेके पूरी तरह से हम मजबूत रहे, सबसे हमारे आगे कदम बढ़ते रहे, यही दुआएं और यही आशाएं करते हुए हम आपसे लेते हैं इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल इन बीसन न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।